नमस्कार दोस्तों, आपका गरौंदा में बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ जा रहे हैं एक तीज फंक्शन अटेंड करने, जो कि अंबेडकर मंडल द्वारा आयोजित किया है। अंबेडकर ये है अर्चना जी, जिन्होंने ये इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा रखी है, और ये दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर डांस प्रस्तुत किया है। ये हमारे पूर्व CM की वाइफ रश्मि जी से पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख ही सकते हैं, बहुत ही गणमान्य लोग भी बैठे हैं और एक आम गृहिणी भी बैठी है। दोनों सब ने इस प्रोग्राम का बहुत ही आनंद लिया। देखिए, गणमान्य व्यक्ति आने शुरू हुए हैं। यह हैं डेजी जी, जो मंच का संचालन कर रही हैं, और आप लेडीज़ में उत्सुकता देख ही सकती हैं, वो कितनी तैयार होकर आई हैं, और सीढ़ियाँ भी यहाँ की बिल्कुल फुल हैं। फ्रेंड्स, ये गणमान्य लोग हैं जो कि काफ़ी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही नाम कमा चुके हैं, और यहाँ पर लेडीज़ ने इस प्रोग्राम पे बड़ी मतलब बहुत ही उत्सुकता से रही थी और बहुत ही तैयार होके आई, बहुत इंजॉय किया फ्रेंड प्रोग्राम का। और यहाँ पर हर वर्ग की लेडीज़ आई है, हर एज ग्रुप की लेडीज़ आई है, तो आप देख ही सकते हैं कि वो कैसे फ़ोटो खिंचवा रही हैं भगवान जी के सामने, और कितने मन से तैयार होकर आई हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी जज थी, और चारों तरफ यहाँ पर लेडीज़ की ही भीड़ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हैं गुप्ता जी, ये है विमला गौर जी, और ये हैं शिवानी जी। ये तीनों आज की जज हैं जो कि लेडीज़ का जजमेंट करेंगी, और ये हैं रश्मि जी जो कि पूर्व CM की वाइफ हैं। आप देख सकते हैं, ये दीप प्रज्वलित करके प्रोग्राम का शुभारंभ कर रही हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जब भी आप कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसमें दीप प्रज्वलित करने का बहुत ही महत्व है। तो वैसे भी आप मंदिर में हैं तो दीपक प्रज्वलित करना तो बनता ही है, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किए हैं, और उसके बाद प्रोग्राम का शुभारंभ करें। ये है तुलसी के पौधे, और ये हैं रमा गोयल जी जो कि आज की गेस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो वर्गों में हुआ था जो तीज क्वीन का चयन है, एक तो बिलो 45 और एक अबव 45। अभी ये बिलो 45 का कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो डांस करते हुए आ रही हैं, और डांस ही वो केवल भजनों पर ही कर रही हैं। भजनों पर करते हुए आते हुए वो अपने जाती हैं जज के सामने, और जज फिर जो उन्होंने अपना मतलब, क्योंकि जो तीज का त्यौहार है वो 16 श्रृंगार का त्यौहार है, कि जो आपने श्रृंगार का सामान आपने पहना है, गहने आपने पहने हैं नहीं पहने हैं, या फिर मेहंदी आपने जैसे लगाई है नहीं लगाई है, तो वो सब देखिए शिवानी जी चेक कर रही हैं कि आपने ये सब पहना है नहीं पहना है। इन सब के पॉइंट्स थे, और कुछ पॉइंट डांस के थे, कुछ आपके जो आपके टोटल आपका लुक है उसके थे, इसी के बेस पर तीज क्वीन का चयन किया गया था। और तीज क्वीन का चयन भी क्योंकि तीनों ही गणमान्य और अपने क्षेत्र में नाम कमा रही हैं लेडीज़, वो हैं, देखिए इनके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। तो अनीता जी, विमला जी और शिवानी जी ने बहुत ही अच्छा इसका जजमेंट दिया है। तो फ्रेंड्स, देखिए आप लेडीज़ कितनी सुंदर तरीके से डांस कर रही है, और कितना तैयार होकर भी आई है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और सब ने भजनों पर डांस किया है, सब ने इस कार्यक्रम का बहुत इंजॉय किया है। तो चाहे जज हो, चाहे आम हो, चाहे खास हो, सबके ही प्यार थिरकने लगते हैं। तो ये जो हमारी शिवानी जी है जो कि आज जज का काम निभा रही हैं, इन्होंने भी डांस प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स, ये है अब 45 से की जो लेडीज़ हैं वो तीज क्वीन के लिए आ रही हैं।
जिनको सम्मानित किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे किसी हरियाली तीज कहा गया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें हम तुलसी जी का पौधा दे रहे हैं। और ये फ्रेंड्स, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत 5 लड़कियों को सम्मानित किया गया था, जिनके 95 अबव आए थे। ये है 97% लाने की अंजना भावी की बेटी है। और ये सभी जो बेटियाँ हैं, ये अम्बेडकर मंडल के क्षेत्र में आती है, और इन्होंने 90 से अबव जो मार्क्स है वो करे हैं। जिन्होंने भी किया था, सभी लेडीज़ को सम्मानित किया जा रहा है। जब हमें इस तरह का सम्मान मिलता है तो हमें एक बहुत ही खुशी होती है और हम प्रोत्साहित भी होते हैं। ये है तीज क्वीन बिलो 45 की, ये है हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति, और ये है तीज क्वीन अबव 45 की। तो दोनों को ही बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई और दोनों ने ही बहुत सुंदर डांस भी किया था। देखते हैं सब कितना इंजॉय किया है। और ये हमारी रनर अप है तीज क्वीन में। और फ्रेंड्स, जो विशाल भैया हैं, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में हैं, और जो मोदी जी की योजना चली है और धामी सरकार ने जो 100 दिन पूरे किए हैं उनके उपलक्ष्य में उन्होंने को एक बुक भी उपलब्ध करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या सरकार ने काम किया है और उनकी क्या क्या योजनाएँ चल रही हैं, क्योंकि हमें बहुत सी योजनाओं का पता नहीं चलता। तो ये जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनको स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर और एक तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों देखिए आप लोगों ने और लोगों ने कितना एंजॉय किया। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।